असीरुद्दीन भाई को कहूंगा कि आप एक्शन प्लान तैयारी कीजिए, उसमें जो जहां हम लोगों को जरूरत पड़ेगा आप हम लोगों को लगाइए, इंशाल्लाह आपके साथ। शुक्रिया। ऑल इंडिया शाह साई कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से मगरी बंगाल उर्दू एकेडमी में एक कॉन्फ्रेंस किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि मुसलमानों की पसमंदगी जो है वो किस तरह दूर की जाए। शाह साई के प्रेसिडेंट मोहम्मद असदुद्दीन ने पुरमक्स बातें रखी और उन्होंने कहा कि मजनू शाह के खिदमात को हुकूमत ना भूले, उन्होंने मुल्क के आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई। असदुद्दीन शाह ने नरेंद्र मोदी वजीर आज़म हिंदुस्तान को एक ख़त लिखा है और कहा है कि मुसलमानों में जो पसमानदगी है वो दूर हो। इस मौके पर रियासती वजीर जावेद अहमद ख़ान और बिहार के वजीर इसराइल मंसूरी, इसके अलावा स्कॉलर सैयद आसिक हुसैन, एक्स जज इम्तियाज अली शाह, निसार अहमद, कयूम शाह, जमाल अहमद जमाल मराहत वाला, नूरुल हुदा, मोहम्मद इरफान खालिद ख़ान और मोहम्मद आबिद हुसैन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। जावेद अहमद ख़ान ने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें तालीम की तरफ पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और बिलखसूस खातून को तालीम से जोड़ने की ज़रूरत है। आइए सुनते हैं कि जावेद अहमद ख़ान ने क्या कुछ कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पसमांदा समाज का बात उठा रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली जाएंगे इसी बात को लेकर के कि अगर प्रधानमंत्री पसमांदा समाज के भलाई करते हैं, अगर मगरमच्छ के आंसू नहीं है, हकीकत कुछ है, तो एक ऑर्डिनेंस ला के जो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ला करके मुसलमानों को उससे वंचित कर दिया था, दूसरा ऑर्डिनेंस ला के तमाम पसमांदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम करें जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में है। ये हम पसमांदा समाज से इस बात को लेकर दिल्ली जाएंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे और तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप ये हक है, मांगने से नहीं देगा तो छीनना पड़ेगा। आपकी पुकार पर आज तकरीबन पूरा बंगाल और कलकत्ता ने लब्बैक कहा, तो क्या लगता है सर अब लोगों में बेदारी आ गई है? इंशाल्लाह बेदारी तो आई है। बेदारी देखिए, जब एक चीज़ है कि दाना जमीन में जाके गल जाता है, अपना वजूद खो देता है, लेकिन उसका जो साथ निकलता है एक एक पेड़ से 100-100 दाना निकलता है। और मंसूरी साहब ने ये साबित कर दिया कलकत्ता में आकर कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर एकजुट हो तो। मंसूरी साहब ने तो ये हमें हौसला जो दिया, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, जावेद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने अभी आपने सुना जावेद भाई ने क्या कहा, नसीरुद्दीन साहब आप आओ हम बैठ के आपसे बात करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, उन्होंने भी कहा यही बात, मंसूरी साहब भी कहा। तो हम कहते हैं ऐसे लोग अगर चार लोग तैयार हो जाते हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये डरे सहमे लोग, समाज के वंचित लोगों को एक सहारा मिलेगा जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपके शाना बशाना मेरे शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह। शाह बिरादरी बंगाल हुकूमत से क्या चाहती है? शाह बिरादरी चाहती है कि मंजू शाह का नाम का एक कोई पार्क का नाम रखा जाए। हमने दीदी को पहले भी चिट्ठी दी, आज ही देंगे कि आप मंजू शाह का जो योगदान था 1970 में जब बंगाल का एक तिहाई आबादी भूख से मर गया था, उस वक्त मंजू शाह ने अंग्रेजों का गोडाउन का ताला तोड़ के अनाज दे के लोगों को देने का काम किया, और जिसमें मंजू शाह के पूरे जैसे हम जो सारे बंसर था जंगलों में भाग गए थे। तो ये कुर्बानी देने के बाद भी आज़ादी के बाद हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिला, इसका हमें मलाल है, अफसोस भी है कि किसी ने कोई हुकूमत तो वो तो मर्द मुजाहिद है, कैसे डरने वाले तो है नहीं, तो सब बात आप भी जानते हैं, हम भी हैं, कलकत्ता का सारा लोग जानता है कि जावेद भाई जो बोलता है ठोक के बोलता है, किसी के मुंह के पीछे बड़ाई तो करते नहीं है। इंशाल्लाह इनका जो खिदमत खल के अल्लाह इनका अजर देगा, ये हमेशा इसी रहेंगे, अल्लाह इनको और इज्जत को इजाफा करेगा, मंसूरी साहब का इजाफा करेगा, यही हम लोग बोल सकते हैं। इंशाल्लाह एक न एक दिन हम भी कामयाब होंगे, बिरादरी भी कामयाब होंगे। मुसलमान कौम बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं, ये कौम आज नजरियात का मारा है, नजरियात जो है इस कौम को ले डूबा है, ये नजरियात का ही मामला था, जो प्रेम ने जो गोली मारा वो नजरियात का ही फर्क था। इसलिए नजरियात को हम लोग को लड़ने के लिए एक शहर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, तमाम लोग को मुबारकबाद देते हुए कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द परेशान है कहाँ से निकले, ये हाल आज मुसलमानों का है। इन तमाम बातों को लेकर के जो बात हुआ,
इसमें। और दूसरा हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी दे रहे हैं, जिस चिट्ठी में हमने लिखा है कि आप अगर पसमानगी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पसमानगी की बात करते हैं और पसमांगा को कुछ देना चाहते हैं, तो 1950 में जो डॉक्टर रजू प्रसाद ने ऑर्डिनेंस पास करके मुसलमानों के हक से महरूम कर दिया था, उसको 1950 का ऑर्डिनेंस फिर एक को ला करके आप बड़े प्रधानमंत्री हैं और सबसे ताकतवर है, तो ऑर्डिनेंस ला करके कम से कम पसमांगा मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में देने का काम करेंगे, तो हम लोग आपके शेड्यूल में जा रहे हैं। मैंने पूछा था, एक तो मैं पूछा था मेरे मंत्री के बैकवर्ड के, मैंने कहा यार राजपूत और खान लोग कब से हो गया पसमांदा ये बता। बोला नहीं आप ही लोग को रिकमेंड किए, बोला चलो कुछ लोग हम लोग भलाई करना चाहते हैं, हम लोग आगे नहीं बल्कि पीछे खींचना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे इम्तियाज अली साहब ने कहा कि आज क्या नाम है, हम लोगों को अच्छे पोस्ट में जाना चाहिए, अच्छे मंत्रालय मिलना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं। आप में अगर टैलेंट है, आप में अगर जरूरता है, आप में अपना खूबी है, तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं और होम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। आप में गोल्डन टेम्पल के इशू में, ब्लू स्टार क्या नाम है ऑपरेशन में, उसके बाद इंदिरा गांधी को उसी के घर में रहे, उसी जो लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पुलिस और मिलिट्री थी उन्होंने मार दिया, कितनी गोली उसके बदन में थी ये तो आप सब हम सब मिल जाएगा, जो गूगल पढ़ते हैं देखते हैं उससे मिल जाएगा। लेकिन एक सबक तो मिला वहां से, आज 3 करोड़ पंजाबी हैं सारे हिंदुस्तान में, 3 करोड़ उनकी तादाद 3 करोड़ से कुछ ज्यादा होगी, और आज 1984 के राइट के बाद इंदिरा गांधी के मरने के बाद सारे हिंदुस्तान में सिखों को मारा गया, और मैं जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हूं उस डिपार्टमेंट में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे ज्योति बाबू, उनकी सरकार थी, तो बंगाल में कोई रिकॉर्ड नहीं था कि एक भी सिख मारा गया, लेकिन मारे गए, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई सिख नहीं मारे गए थे। जब हम लोग मंत्रालय में आए 2011 में, तो मेरे पास कुछ 8-10 सिख लोग आए, कहा कि भाई आपके सर्टिफिकेट से हम लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा। मैंने कहा क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बोले ज्योति बासु के टाइम में 1984 में जब राइट हुआ था उस वक्त तकरीबन 6 या 11 सिखों को यहाँ भी मारा गया था, आसनसोल में, बंगाल में, कलकत्ते में मारा गया था, लेकिन ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आप लिख के देने से हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका कंपनसेशन मिलेगा, उसके वो सब मिलेगा जो मिलना चाहिए, हक जो मिलना चाहिए। हुआ था कलकत्ते में, वहां मुसलमानों का तकरीबन 400 घर जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था, उस वक्त सरकार बैक फ्रंट की थी, उन्होंने पुलिस कैंप लगाया था, बोला था आदमी बिठाइए आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराइए किन किन का क्या नुकसान हुआ, कौन लोग मारे गए हैं दिखाइए, हम लोग उसके बाद केस करेंगे, एक्शन लेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों को ऐसे सैकड़ों घर जला, लेकिन 2-4 आदमी के अलावा कोई आदमी नहीं मिला, लोग आप जो कहना वहां कंप्लेन करे पुलिस का। तो आज आप दूसरे को जब उंगली उठाते ना, एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ आती है कि आप अपने आप को सही कीजिए, फिर उसके बाद बात कीजिए, यही सबसे बड़ी खूबी और खराबी है अपने हुनर से। पसमांदा नहीं है, वही बहादुर इंसान है जो आज काम करके अपने फैमिली को पालता है, ये सोच को बदल। आज क्या नाम है, यहाँ पर सैयद आशिफ हुसैन साहब है जो बातें रख रहे थे, तो उनका कहने का मकसद क्या था, आइए हमारे पास आइए, जहां तक हम हो सकेगा मदद करेंगे आपको, आप हमसे मदद लीजिए। लेकिन वहां तो
प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुओं के पास जाना पड़ता है। तो आप प्यासे हैं तो आपको जाना होगा उनके पास, तभी तो आप कुछ कर सकेगा। अपने आप को फिनिश करने से, अपने आप को खत्म करने से नहीं होता, ये काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस काम की शुरुआत कहाँ से करना होगा। मेरा तो अपना एक फॉर्मूला है कि मैं वो नौकरी में, किसको नौकरी मिला नहीं मिला वो भी जरूरी है, कौन क्या करता हो बिजनेस उससे कोई नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जो साहब की हैसियत है, कम से कम एक एक आदमी को, ऐसे अकलियत के लोगों को और बच्चों को आप उसके पढ़ाई पर आप तवज्जो दीजिए, उसको पढ़ाइए और देखिएगा इनमें से अगर ऐसा हीरा निकलेगा जो आप सबको लेकर चल सकेगा। यही कहता हूँ और ये उम्मीद के साथ एजुकेशन के पीछे, पढ़ाई के पीछे, समझे ना, आज बिहार में गुरबत है, बंगाल में गुरबत है, मुसलमानों में गुरबत है, पिछड़े हुए हैं, सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे हिंदुस्तान सारे दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन आज सिर्फ जानने से नहीं होगा, करना होगा। करने के लिए सबसे पहले आपके अगर नौजवान नहीं पढ़ते हैं तो लड़कियों को पढ़ाइए, जो माँ पढ़ेगी वो अपने बच्चे को कभी भी जाहिल नहीं रखेगी, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेगी। इस बात के साथ आप बड़े भाई और लगातार दशकों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की धरती पर भी, पश्चिम बंगाल की धरती पर भी, लोकतंत्र में भाग लेने का भी काम किया और राजनीति के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। बड़े भाई असलुद्दीन शाह जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं इरफान खालिद खान साहब, और इस मौके पर हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित पश्चिम बंगाल के जाने माने चेहरा, और जब भी हम लोग किसी काम से जब घूमने भी आते थे तो जावेद खान जी का नाम जरूर सुनते, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के मुंह से जा रहे थे डिफरेंट सोच। हम लोग तो गांव गांव से घूमने आने वाले लोग हैं, और आपको बता देते हैं कि जिस स्कूल में पढ़ते थे आज हम लोगों के बाल बच्चा भी बताता है कि आप तो बेंगुआ स्कूल में पढ़े, बात सही है। और बोचक भी अपने बैठने का व्यवस्था खुद करके जाते थे, लेकिन हम इतना जरूर मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप अधिकार खोजते हैं, कर्तव्य के प्रति लापरवाह होते हैं, और आज और अब आप ये कहिए कि हमारे पास में जरूरियात नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा कमजोर था, तो हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस समय क्या साधन था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कौन साधन में थे। तो देखिए नाकामी के लिए बहाना सैकड़ों है। हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे खास करके नौजवान साथियों से, और सबसे उससे कहने से पहले हम आयोजक मंडल को हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, दिली मुबारकबाद इसलिए देना चाहते हैं कि हमारे कौम में मिल्लत के नौजवान जो अच्छा किया है उसको हौसला अफजाई करने के लिए आपने पुरस्कृत करने का, और बैठे नौजवानों से कहना चाहेंगे कि आप ओनिस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करते हैं चाहे जिस क्षेत्र में हो, आप राजनीति में भी अगर आना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी आना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा, तब जाकर के आपको होगा। उसी तरीके से हम लोग शिक्षा नहीं ले पाते, हम सही शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, और हम लोग क्या करते हैं डिग्री लेने के फेर में लग जाते हैं, और डिग्री भी मुकम्मल नहीं ले पाते।
डिग्री भी जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं और आपस में पहले तो उलझते हैं। काफी उलझन है समाज में, शिक्षा के प्रति लोगों का उलझन नहीं है, अच्छा काम करे इसके प्रति उलझन नहीं है, उलझन है आस पड़ोस से, भाई भतीजा से। ये सबसे ज्यादा इस कौम में जहालत है और लोग कहते हो इसी के कारण पसमानदगी और लोग पिछड़े हुए हैं। ईगो प्रॉब्लम बहुत है यार, हमने देखा है गांव से हम भी आते हैं, हम तो मुखिया भी रह चुके हैं, पंचायत का एक एक अनुभव है। इस कम उम्र में आप लोगों की दुआओं से सैकड़ों पंचायत भी हमको करने का मौका मिला है, तो घर की बीमारी को भी हम समझते हैं और लोगों की भी बीमारी को हम समझते हैं। हम लोग अगर बढ़िया से बिरयानी की भी यहाँ बात आई, अगर जो व्यक्ति की सलाहियत हो गई कि हम तीनों टाइम बिरयानी खा सकते हैं तो वह व्यक्ति दूसरे किसी को अपने से बड़े काबिल फाजिल नहीं बुझते, वो बुझते हैं अहम बहम दोनों पाल लेते हैं कि शायद यही दुनिया है, इससे बड़ा कोई दुनिया ही नहीं है। कि हम अलग अलग कमेटी बना ले, अलग अलग सब चीज कर लेकिन एक नुक्ता प्रश्न के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमको समझना होगा, तभी जाकर हमारा समाज के अंदर कुछ भला होगा। हमको यकीन है अल्लाह चाहता है तो हम खड़े, अल्लाह चाहेगा तो हम दुनिया में नहीं जाएंगे। तो हमको डर किसका है, कोई हमें गोश्त देना दे, हमारा उदा देना दे, लेकिन हम अपने बात पर कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला हमको उस जगह जरूर पहुंचाएगा। क्या वजह है कि अबुल कलाम साहब हिंदुस्तान के वही फिर का प्रस्ताव है जो हमको आज दुबाना चाहते हैं, उसने ही उसके नाम का प्रपोजल दे के उनको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। ये खूबी अल्लाह के तरफ से पैदा होता है और आपके दिल से होता है, आपने दिल में जो ठान लिया इंशाल्लाह अल्लाह उसको पूरा करेगा। लेकिन शर्त यह है कि दिल से वो चीज़ नहीं होना चाहिए जिस दिल में कीना हो, जिसमें अपना मुफाद हो, समाज का मुफाद के लिए आप काम करते हैं। आज जावेद भाई का यही कर्म है, समाज के लिए काम किया, समाज है इनके पीछे सबसे ज्यादा। 2004 में केंद्रीय मंत्री केंद्रीय सरकार ने एक निकाला था कि जो जहां पर सभी कबीले के आदमी संगठन बनाएंगे वहां मैं उसकी तरक्की के लिए एजुकेशन का मामला निकालूंगा और वहां मैं अच्छा हॉस्पिटल बनाऊंगा। मानूंगे कमरुद्दीन को मैंने 2 बीघा जमीन दिया, अपना जमीन 2 बीघा दे करके वहाँ हॉस्पिटल बनाया हूँ और बेहतरीन हॉस्पिटल बन चुका है, बिल्कुल तैयार हो गया है और चालू हो गया। तो जब तक जला देते हैं नफरत में मोहब्बत का चराग, आपने देखा नहीं है जलवा सिरुद्दीन का। इंसान है पर पैदल अखलाक भी और दोस्तों की जान है, गांव के हमदर्द है, हम सबों की शान है, हर तरफ खाए हुए हैं जावेद अहमद खान है। आपकी मिल्लत वाली वो भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। अब तो जो मजलिस जो हवाले से लगी है उसे मैं हुआ, हमने 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, करीब करीब 60 साल का सफर तय किया, उसके बाद भी हम बैकवर्ड ही बैकवर्ड रहे, इसकी क्या वजह थी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बहुत सारी चीजें, माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट था, इमिग्रेशन कॉन्सेप्ट था, अच्छे लोग यहाँ से बाहर उधर चले गए, यूरोप चले गए, पश्चिम चले गए, जो हम यहाँ रह गए, हम छोटे तबके थे, उस पर कंट्रोवर्सी में नहीं जाता हूँ, जो कन्वर्ट थे लोअर क्लास से ऊपर आए वो यहाँ रह गए क्योंकि जाने के काबिल नहीं तो रह गए, जिसको आज हम वो वर्ड दे रहे हैं पसमानदा, जिसको आज हम जो वर्ड दे रहे हैं वो पसमानदा, हकीकत में मुस्लिम में पसमानदा नहीं है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ आप बोलते हैं, कुरान से बोलते हैं, हदीस से बोलते हैं, कुल मुस्लिम और मुस्लिमात तमाम मुसलमान मर्द औरत भाई बहन है, तो फिर पसमानदा मामला कहाँ से आता है? जहाँ पर इक्वलिटी है वहां पर पसमानदा का मामला कहाँ से आता है? वो नहीं है, एक मिसनोमर है। लेकिन फिर भी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, रीजन बिहाइंड इट इसलिए कर लेते हैं, चलो कुछ तो इस मामले को बोलकर फायदा ले सकते हैं, इस मामले को बोलकर कुछ तो मुझे एडवांटेज मिलेगा गवर्नमेंट से, इस मामले को लेकर हम पसमानदा की तरफ चले जाते हैं।
देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ आवर बैकवर्डनेस. अब उसमें सेंट्रल कमिटी ने इम्फेसिस दिया सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, और कहीं नहीं दिया. मैं बड़े जोर के साथ कह सकता हूँ अपने स्टडी के साथ, वी आर द विक्टिम ऑफ दिस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म. हम जो आज विक्टिम है, वी आर द विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल सेकुलरिज्म. सेंट्रल कमिटी ने भी कहीं ना कहीं इन साइड से इसको टच किया है. इसे टच किया है विक्टिमाइजेशन. अगर आपको कहीं घर लेना पड़े, आपसे लोग पूछेंगे आप किससे हो, आपको जल्दी घर नहीं मिलेगा. इसलिए वी हैव बीन गिवन द सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है. मुझे चाहिए सोशल सेकुलरिज्म, इकोनॉमिक सेकुलरिज्म. सच्चर कमिटी ने इकोनॉमिक पार्ट को भी टच किया. उसमें दो पार्ट है इकोनॉमी के पार्ट में. एक है बैंकिंग रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर एडवांसेस. यहाँ पर बैंकिंग में अच्छे से जानता हूँ बैंकिंग रिलेटेड जो होता है माइनॉरिटीज के लिए भी एक सेक्शन है, वहाँ देना है इतना. लेकिन मैंने देखा अपनी नजर से माइनॉरिटी नॉट डिजर्विंग. आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो नहीं, ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो वहाँ नहीं होता है. दूसरा सच्चर कमिटी के कॉमन में ही एक जगह ऑब्जर्वेशन है करने के लिए कि कमर्शियल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वहाँ नहीं होता है. मेरे सामने इंदा साहब जस साहब बैठे हैं, मैं जो सपोर्ट करूंगा वो एग्री भी होंगे मुझे उम्मीद है. आवर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, वी टू सिक्योर टू सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तीन टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रीएम्बल जिसको मैं पढ़ता हूँ, पहले कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो वहाँ होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, चलते चलते बोलता हूँ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. मुझे पॉलिटिकल जस्टिस मिला है किस रूप में, एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल को हुआ मैं वोट दे सकता हूँ. वी हैव बीन गिवन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन टू फॉर्म्स, एक वोट देने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए. मुझे इकोनॉमिक एंड सोशल पार्टिसिपेशन की जरूरत है, उस पर इंफेसिस की जरूरत है, उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है. अब इसके सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जगह पर बैकवर्डनेस क्या है इसको डिफाइन बड़ा डिफिकल्ट टर्म से किया गया. ये रिलेटिव टर्म है. कैसा रिलेटिव टर्म है मैं इस तरह बता दूं. वन मैन्स स्वीट इज पॉइजन फॉर अदर्स. अगर मेरे लिए रसगुल्ला बहुत अच्छा है तो डायबिटीज से जो सफर कर रहे हैं वो रसगुल्ला नहीं खा पाए. ये बैकवर्डनेस जो कंसेप्ट है ये बड़ी रिलेटिव टर्म है, और इस रिलेटिव टर्म में कहीं ना कहीं मुझे फंस जाना पड़ता है. जैसे मैं बताऊं बीमारू स्टेट कॉन्सेप्ट है. बीमारू स्टेट आपको जानकारी होगी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसको हम बीमारू स्टेट बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड हम साउथ इंडिया में जाएंगे वहां से थोड़ा सा अच्छे हैं करने के लिए, लेकिन वहां भी बैकवर्डनेस है. ये रिलेटिव टर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्डनेस का. उस मामले में स्ट्रक्चर कमिटी रिपोर्ट जो कहा था, मैं अब अपने आप को जज करूँ मैं कहाँ पर हूँ. स्ट्रक्चर कमिटी रिपोर्ट तक रिकमेंडेशन है, और उसके बाद उसका फॉलो अप एक्शन होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट. उसके बाद 2005 से हुआ, 2011 हुआ, 2021 हुआ, अब 2023 में 2021 का डाटा हमें मेरे पास अवेलेबल इसे नहीं है, प्रॉपर सेंसस नहीं हुआ. लेकिन 2011 के बेस पर अगर मैं सोचूं तो मुस्लिम्स मोर और लेस 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, 7.01% पॉपुलेशन है. लेकिन मेरा पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं करने के लिए 3% के आसपास था. अभी जगह उसके थोड़ा सा है कि मैं दुनिया में इंसान के इंसान, और उसमें सबसे बेहतरीन काम है कि एजुकेट द पीपल, एजुकेट योर पीपल इन योर नेबरहुड. तुम पढ़ाने का काम करो, तुम मुअल्लिम हो. इसीलिए सर सैयद अहमद ने भी लिखा, आजाद ने लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर गॉड है, उसके बाद हमारे नबी है, उसके बाद ये हम लोग हैं. हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, कम खाएं लेकिन पढ़ाएं. राजेंद्र सचर ने अपनी पूरी रिपोर्ट में जो फोकस किया है बंगाल से लेकर के बिहार, यूपी और इंडिया लेवल पे, उन्होंने यही कहा है कि हम कम जिम्मेदार नहीं है, वी आर अकाउंटेबल. हम अकाउंटेबल है. और इतने बड़े शहर कलकत्ते में हमारे पास स्कूल है. अभी आपने कहा कि टीचर, हम टीचर वाकई समझे जिम्मेदार है. ब्राजील का एक राइटर लिखता है कि द टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल हैव एक्सप्लॉइटेड द पीपल, द बॉयज, द गर्ल्स कमिंग फ्रॉम द पुअर क्लासेस. सच बता रहा हूं मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ. छुपाना नहीं सर, छुपाने की जगह नहीं,
पहनने को कपड़ा नहीं, बेसिक चीज रोजी कपड़ा और मकान गायब। वाटर की प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है? शाह वेलेस कंपनी, रेस कोर्स, इसको तो कहा आम दोस्तों मुसलमानों का कितना फायदा हो रहा है। एक छोटी सी जगह मैंने लिया था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, फिर ट्रांसफर करने के लिए हमसे कहा डेढ़ लाख रुपया लगेगा। चेयरमैन भी हमारे साथ, चेयरमैन भी हमको जानते हैं, सेल्दा कोर्ट में बड़ी रिक्वेस्ट किया 12-15 लोगों के सामने, हम लोग हाथ पर जोड़ दिया तो सर बच्चों को पढ़वाना है छोटे छोटे, बोले ठीक है जब 50,000 दिए। और खासतौर से मुसलमानों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जाए। उसी के ताल्लुक से लेफ्ट फ्रंट के जमाने में MSK SSK का एक थ्योरी पेश किया गया था, शिक्षा शिशु शिक्षा केंद्र, माध्यमिक शिक्षा केंद्र, जो किसी तरह से अप्रूवल नहीं हुए हैं, रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं, उनको एफिलिएशन नहीं मिला है, उनको सिर्फ मात्र 5,000 रुपये देकर उनकी सर्विस बहाल की गई। जो माध्यमिक में पढ़ाते थे 5,000 रुपये, जो सेकेंडरी में पढ़ाते थे उनको 8,000 रुपये। तकरीबन ये सिलसिला 2011 से लेके 2012 या नहीं हम 4 साल पहले तक वो सिलसिला कायम था, फिर उसके बाद उसको बढ़ाकर अब जो है, जब ये बात माइनॉरिटीज के ताल्लुक से हम लोग एजुकेशनल मूवमेंट के जानिब से रखे कि हिंदुस्तान में यह गालिबन वाहिद स्टेट है जहाँ किसी भी सरकारी मुलाजिमीन की 8 साल में कोई तनख्वाह की इजाफा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी भी एरिया में। सरकारी जो महकमा में लोग 3 साल के बाद कुछ न कुछ इजाफा होते रहता है, लेकिन 5 साल तक तकरीबन 8 साल लोग पाते रहे, फिर उसके बाद बढ़कर अभी 10,000 रुपये 10,500 रुपये हुआ है जो माध्यमिक SSK में पढ़ाते हैं और 12 से 5 ज्यादा पढ़ाए हैं। तो ये है हुकूमतों का मुसलमानों के साथ जो ताल्लुक है वो आप समझ रहे हैं कि कुछ देकर सिर्फ बहलावे वाली बातचीत हो जा रही है। हमारे यहाँ जो मुसलमानों के काम हो रहे हैं वो हम उसको कहते हैं ऑर्नामेंटल काम, दिखावे का। जिस तरह से एक दुल्हन को सजा बनाकर बैठा दिया जाता, लोग समझते हैं कि बड़ी खूबसूरत है इस वजह से कि ब्यूटी पार्लर से वो निकल कर आई है, उसी तरीके से हुकूमतों के जानिब से वो मुसलमानों को इसी तरीके से कुछ चीजें दी जा रही है। पति की जो बुनियाद है वो तालीम है। सच बात है कि तालीम पर जोर देना चाहिए, और हमारे यहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बड़ी मशहूर है कि तालीम हर मुसलमान मर्द औरत पर अल्लाह ने तालीम फर्ज किया है। और अपील करता हूँ, लालू प्रसाद जी ने एक बात कहा था, जब एडवाणी को गिरफ्तार करने से पहले गांधी मैदान में कहे थे कि जब इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में अजान कौन देगा। और उन्होंने गिरफ्तार किया चैलेंज के साथ, और अभी भी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो वाहिद अगर अभी का गांधी, अभी का अम्बेडकर अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव है, और इसके सिवा कोई नहीं कि जो इतना हिम्मत के साथ, ये हिम्मत की बात है कि हम मुसलमानों के लिए, मैं बिहार से रहता हूँ, बिहार के हर जगह का सफर रहा, देहात से देहात, अगर वो कहीं भी फिरका बनाना कोई बात हुआ तो उसको फौरी तौर पे उसमें काबू किया जाता है।